अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम सबको, सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एकाग्रता सुनिश्चित कर लेंगे, अपने आप को सजग करते हुए जिज्ञासा, जानने की प्रबल इच्छा, सीखने का निश्चल भाव, व्यवस्थित करते हुए मंत्र पाठ करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम शांतिकरण प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। आज हम शांतिकरण प्रकरण के 19वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। हम जो दैनिक संध्या करते हैं वैदिक धर्मी लोग, उस संध्या में भी यह मंत्र आता है। उपस्थान में चतुर्थ मंत्र आता है, वहां पर भी हम इसे देखते हैं। सबसे पहले इसके उच्चारण को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तच्चक्षु चक्षुर देव हितम पुरस्ताच छुक्र पुरस्ताच छुक्र मुच्च रत। इसको फिर से देखिए, इसी पद को
बस यही है इसमें समझने योग्य। एक और आगे आएगा वो भी बताऊंगा, बाकी सब सरल है, बस इस पद को समझिए। तच्चक्षुर, दो चकार हैं, तच्चक्षुर, तच्चक्षुर देव हितम पुरस्ताच छुक्र मुच्च रत पश्येम शरदः, शरदा नहीं करेंगे, शर शरदः शतन जीवेम शरदः शतन श्रीणु श्री श्रीणु याम शरदः शतम। यहां पर मां करेंगे, इससे पहले दोनों अनुस्वार को नकार उच्चारण करेंगे और प्रब्रवाम से पहले जो नकार अनुस्वार है इसको मकार उच्चारण करेंगे। शतम प्रब्रवाम शरदः शत मदीनाः श्याम, अधिकांश लोग इसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं, श्याम बोलते हैं, श्याम शत मदीनाः श्याम, यहां पर दंत्य सकार है ये ध्यान रखिए, शत मदीनाः श्याम शरदः शतम, यहां पर भी मां करेंगे शतम। भूयश्च शरदः शतात, उच्चारण देखिए, ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ये इसका सरल उच्चारण। संहिता की दृष्टि से एक बार और देख लीजिए, संहिता में कैसे करेंगे, ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनास्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। ये इसका संहिता की दृष्टि से। तो चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं, भारती छाबड़ा जी हैं जी, प्रणाम प्रणाम। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे तो इसकी इसकी जो आपके बोलने की जो स्थिति है उसमें जो एक थोड़ा सा फ्लो अप डाउन जा रहा है वो ठीक हो जाएगा, उच्चारण अच्छा है आपका जी। कमला हंस जी, ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्र शुक्र मुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं शतमदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।
अच्छा प्रयास है, देखो तक्षुर चक्षुर चक्षुर तक्षुर एक, उसके बाद देवहितम, ये ठीक है। पुरस्ताच, रुको सुनो ना, पहले पहले सुनो ना, जब हम कहेंगे इसको ठीक कीजिए तो उसको ठीक कीजिए, चक्षुर ठीक करवाए, अब आगे सुनो। पुरस्ताच शुक्र, पुरस्ताच शुक्र, ऐसे बोलिए, पुरस्ताच शुक्र। मुच्चरत, मुच्चरत ठीक है। और इसके बाद आप कहीं पर माँ कर रहे हैं, कहीं पर ना कर रहे हैं, जैसे पश्येम शरद शतम जीवे नहीं होगा, शतम जीवे माँ ऐसा करेंगे। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और एक और शब्द को ठीक करो, श्रीणु श्रीणु याम श्रीणु याम श्रीणु राम श्रीणु राम, उसमें देखो ना स्क्रीन भी साझा किए, श्रीणु याम याम श्रीणु याम। अब ठीक, चलिए कुसुम गुप्ता जी आप बोलेंगे। मांगेराम जी ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतमदि शतं परब्रवाम शरदः शतमदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। दो स्थानों पर देखिए, पुरुष पुरुष नहीं है, पुरुषतात नहीं, पुरस्तात पुरस्तात ठीक है। और शुक्रम वो सूत्र लग करके तस छोटी इत्यादि, तो पुरस्तात शुक्रम हो गया ठीक है। पुरुष पुरुष नहीं करेंगे, पुरस्तात एक। और एक स्थान पर देखें, जब आप शतमदीनाह श्याम नहीं करेंगे, श्याम नहीं श्याम श्याम, दंत सकार का प्रयोग ठीक है। रवि जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी, ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं ब्रवाम शरदः शतम् मदीनः श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। एक स्थान पर देखिए, जब आपने किया प्रब्रवाम शरदः शतम् तो फिर मदीना नहीं करेंगे, जब आपने शतम् इधर ले लिया ना तो अदीनाह करेंगे। जी अच्छा, अगर आप इस प्रकार से पद पूर्वक बोल रहे हैं उच्चारण में, यद्यपि संहिता पाठ में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं अपनी सहजता के लिए, तो शतम करेंगे तो फिर अदीनाह श्यामा ऐसा बोलेंगे, क्योंकि शतम बोलेंगे और शतम के बाद फिर मदीना बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है। जी आचार्य जी, ये शतम शतन श्रुणियाम के पहले शतन का उच्चारण, हाँ, इसको नकार उच्चारण करेंगे। जी जी, किसने आचार्य जी ये शतम जीवे में तो समझ में आ गया, चाचा जाचा ना, इसको शतन कहेंगे। ये शाम यहाँ पर भी यहाँ ही होगा उच्चारण की दृष्टि से, जिसे आप दीर्घ अनुनासिक पढ़ रहे हो उस दीर्घ अनुनासिक का उच्चारण भी यकार ही आएगा, किंतु शकार के कारण से आप जब आप ने को साउंड करोगे तो उच्चारण यहाँ में ही आएगा। जैसे देखो मैं बोलता हूँ, आपने उस अभ्यास को साउंड की उस साउंड की फ्रिक्वेंसी के साथ अभ्यास नहीं देख किया है, उसके साथ मेलजोल नहीं बढ़ाया अपना, मेलजोल बढ़ा लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखो मैं बोलता हूँ शतन जीवेम, एक तो ये उच्चारण है, और मैं करूँ शतई जीवेम ये करें तो यकार का जो जो
स्थान है और जो ध्वनि है वो भिन्न जा रही है, जाति भिन्न जा रही है। यानी एक नियम समझो, ऋचा की बात करो, केवल ये ऋचा में ये नियम लागू होता है। ऋचा में जो छंद है यानी वेद मंत्रों में ही ये नियम लागू होता है, अन्यत्र नहीं। पूर्व की ध्वनि जो है वो उसके पश्चात की ध्वनि के साथ मिलनी चाहिए, इन दोनों का आपस में मेल होना चाहिए। ये सर्वत्र है, कहीं भी आप इसका विरोध नहीं देखेंगे। ठीक है जी आचार्य। नंदन जी। जी आचार्य। ओम तत्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पशीम शरद सतम जीवेम शरद सतम शृणुयाम शरद सतम प्रब्रवाम शरद सतमदीना श्याम शरद सतम भूयश्च शरद सता। आज शकारों में गड़बड़ हो गई, तालव्य शकार के स्थान पर दंत्य शकार आया आपका, और दंत्य सकार के स्थान पर आपका तालव्य सकार है लगभग सब स्थानों में, तो इसको ठीक कर लीजिएगा बस। पश्चिमा शरदः शतं जीवेमा शरदः श श, यानी जहां से देखो एक सूत्र आएगा आगे, आप वर्णोच्चारण भी पढ़ रहे हैं फिर से, तो वहां पर आएगा इचु यशाश तालव्या, वहां बताऊंगा अच्छे से गंभीरता से। यहाँ संकेत में समझो, इचु जहां से चवर्ग का उच्चारण होता है वहीं उसी स्थान और उसी प्रयत्न के साथ इस शकार का उच्चारण होता है, क्योंकि चवर्ग का उच्चारण भी तालु की सहायता से होता है, इसलिए उनको तालव्य वर्ण कहा है, और इस शकार ये शकार भी उन तालव्य वर्णों में आ गया, तो इसलिए इसकी भी संज्ञा कैसी हो गई, तालव्य शकार हो गई। बस ये कंसेप्ट है। ठीक है जी। जी आचार्य। इसको ठीक कर लीजिए। हाँ आता हूँ दिगंबर जी आपके पास। एस पी सिंह जी। ॐ तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं यश्च शरदः शतात्। बहुत सुंदर। एक स्थान पर देखो तच्चक्षुर, चक्षुरा नहीं चक्षुर, रेफ आधा है। ठीक है जी। जी धन्यवाद। चलिए तेज कृष्ण जिज्ञासु जी। नमस्ते जी। ओम तत् चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पशेम शरदःशतं जीवेम शरदःशतं शृणुयाम शरदःशतं प्रभवामि शरदःशतं अधीना श्याम शरदःशतं भूयस्य शरदःशतात्। एक तो शरदा, धा नहीं वहां पर, दा शरदा शरदा, ठीक तो इसको ठीक कीजिए। और प्रथम जो पद है इसको फिर से बोलिए एक बार, प्रथम पद। ओम तत्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् अलम अलम देव, वकार को पूरा बोलेंगे, मैंने दोबारा इसलिए सुना कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ो, तो देवहितम देवहितम ऐसा। ठीक है ठीक है। आपके उच्चारण में दो त्रुटियां थी, देहितम आप बोल रहे थे, एक तो इसको देवहितम करेंगे, दूसरा शरदह नहीं करेंगे, शरदह इसमें महाप्राण का प्रयोग नहीं करेंगे, अल्प प्राण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दकार प्रथम वर्ण, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। चलिए दीप्तिका माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरात् पश्येम शरदः शतं
जीवेम शरदः शतम् श्रृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदिनाः श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। बहुत अच्छा प्रयास। पुरुष नहीं बोलेंगे, पुरुषतात नहीं बोलेंगे, पुरस्तात, पुरस्तात, ठीक है। पुरस्ता, हाँ, एक और दूसरा, जब आप उच्चारण करते हैं ना तो मुख को ऐसे मत बनाइए जैसे हम वकार के उच्चारण में, यानी श्रिकणी जैसे, जैसे सीटी बजाते ना उस प्रकार से। तो जब आप मुख को गोलाकार कर लेंगे तो आपका उच्चारण एक अलग दिशा में चला जाएगा, पश्चिम शरदः ऐसे, यानी मुख को गोल मत कीजिए। जैसे हम सीटी बजाने के लिए मुख को गोल करते हैं ना, तो उच्चारण में आप जब मुख को गोल, अपने ओष्ठ, ओष्ठ की जब गोलाकृति हो जाती है तब उच्चारण भिन्न जाता है। फ्रीक्वेंसी भीतर से वही आ रही है, वोकल कोड से वही फ्रीक्वेंसी आ रही है, वही निश्चित हो रही है, लेकिन बाहर आकर के वो थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। गौरव जी। जी आचार्य जी। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शता। बहुत बढ़िया, पहले त्रुटि की उसको ठीक कर लिया, तो ध्यान से देख लिया करो। और पहला पद जो है पश्चिम शरदः शतम् नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पर भी शतं जीवे मा ऐसा आ जाएगा, ठीक है बच्चे? जी आचार्य जी, अभी लंबा अभ्यास है इस कारण से हो गया। बात नहीं, करत करत अभ्यास से तो ठीक हो जाएगा। सुंदरा माता जी। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् शतमदीनः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, तो कहीं पर गड़बड़ हो जावे ना तो सहज रहें, अगर कहीं पर त्रुटि हो जाती है तो उसमें सहज बने रहें, कोई बात नहीं, हो जाता है। ध्यान इधर उधर चला जाए, थोड़ा सा भाव इधर उधर हो जाए, एक। दूसरा देखो, जब आप पुरुष नहीं करें, सभी लोगों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, पुरुष नहीं करें, पुरस, पुरस ताच, छुक्र, छुक्र, पुरस ताच, छुक्र मुच्चरत, ऐसा इसका उच्चारण आना चाहिए। और आप बोल रहे हैं शतम मदीना, ऐसा नहीं करेंगे, शतम दीना, शतम दीना, बस इतना, ठीक है। सत्य प्रकाश जी से और सुन लेते हैं, फिर आते हैं कुसुम माता जी के पास। ओम तत्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पशेम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् श्रृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। बहुत बढ़िया उच्चारण, एक स्थान पर चूक गए, बस एक स्थान पर भी चूक गए, प्रयास अच्छा किया था लेकिन चूक हो गए वहां। कहां पर? शतमदीनः श्याम नहीं करेंगे, श्यामा, शतमदीना श्यामा, श्यामा, ठीक है जी? ठीक है गुरु जी। चलिए तो अब आ जाते हैं कुसुम मित्तल माता जी के पास। जी नमस्ते आचार्य जी। बोलिए। नमस्ते।
ओम तक्षुरुदेवहितं पुस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं श्रुणियाम शरदाशतं प्रब्रवाम शरदाशतं अधीना श्याम शरदाशतं भूयश्च शरदाशता। ठीक है, अच्छा प्रयास है। अंत में शरदा नहीं, शरदा द द एक और बाकी ठीक है, थोड़ा सा और अभ्यास हो जाएगा तो और ठीक हो जाएगा। हाँ कुसुम गुप्ता जी, अमित शुक्ल जी हैंडल कर रहे थे। यस सर, बोलिए। ओम तत्सुरदेव हितम पुरस्तात् शुक्लमुच्चरत वशेम शरदा सतम जीवेम शरदा सतम अब्रवाम शरदा सतम मदीना श्याम शरदा सतम भूयश्च शरदा सतात। किस परंपरा से हैं शुक्ल जी? औदिच्य। औदिच्य है, ठीक है। हाँ यजुर्वेद में ये परंपरा भी चलती है। तो कौन सा वेद है आपका? अपना ये यजुर्वेदी ब्राह्मण है। कौन सी शाखा? गौतम शाखा। अच्छा ठीक है। हाँ ये यजुर्वेद में एक पाठ ये भी चलता है शतात, है ना? तो पाठ की दृष्टि से ये भी चलता है। और एक सामान्य उच्चारण देखें तो एक श्रुति पाठ में देखें तो तकार हलंत है, तो वहां पर तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् मुच्चरत् ये भी आएगा और मुच्चरत ऐसा भी आता है, जैसे मुच्चरत शुक्लमुच्चरत। हाँ ये पाठ भी है। और आपने एक पद छोड़ दिया इसमें, जब आपने किया शतम श्रीणुयाम श्रीणुयाम शरदः शतम, ये छोड़ दिया। बराबर, हाँ वो छूट गया। बराबर, चलिए बढ़िया। तो आपका कंठ बता रहा है कि एक एक परंपरा का कंठ है, तो ये कंठ बड़े विशेष लोगों को प्राप्त होता है। अस्तु, चलिए बढ़िया। ओके जाए, दिगंबर जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्चेम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रभवाम शरदशतमदीना श्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा आज। जी अच्छा सुन नहीं पाया मैं आपका। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संकेत करता हूँ। प्रथम जो है ना तच्चक्षुर्देवहितम, यहाँ पर मकार उच्चारण करेंगे क्योंकि आगे पकार है जी, ठीक है। देवहितम, उसके बाद पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रीणु, ये तालव शकार है और उसमें री है, तो श्रीणु याम शरदः यहाँ पर मा करेंगे। शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीना श्याम शरदः, फिर यहाँ पर भी मां करेंगे शतम भूयश्च शरदः शता, इस प्रकार से उच्चारण। जी अच्छा चलिए। तो कोई बचे तो नहीं है जिनसे सुनना शेष रहा हो? संभवतः सरिता यादव करके जुड़ी हैं, तो सरिता माता जी सुनाएंगे आप। जी आचार्य जी प्रणाम, मैं प्रयत्न करती हूँ। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतं दीना श्याम शरदः शतं
भूयस्य शरदः शतात्। ठीक है, नियमित रहें कक्षा में, नियमित रहेंगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। एक वेद के प्रति श्रद्धा भाव का होना और उस श्रद्धा भाव का निरंतर बनाए रखना और उसको जीना। कई लोग क्या करते हैं, श्रद्धा भाव या तो होता नहीं है, होता है तो निरंतरता नहीं रहती, और यदि निरंतरता बनाए रखने का प्रयास भी करते तो उसको जीते नहीं है। जब आप जीते हो ना तब आप विकसित होते हो, तब आप बढ़ते हो, उन्नति करते हो। तो कई सारी त्रुटियां हैं, जैसे तच्चशुर, चशुर नहीं चक्षुर, तच्चक्षुर देवहितम, तच्चक्षुर देवहितम, पुरस्तात् पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत इत्यादि। ठीक है, चलिए इसके भाष्य पर विचार। पता रहने की वजह से यहाँ देवहितम तो होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शुक्ल जी जुड़े थे और मैंने कहा था कि हाँ मुच्चरत ये परंपरा भी प्राप्त है। तो यजुर्वेद में हमें कई शाखाएं प्राप्त होती हैं, तो यजुर्वेद में एक भिन्न पाठ होता है, वहां पर तकार को भी पूरा उच्चारण किया जाता है, जैसे धियो यो नः प्रचोदयात, ये परंपरा भी हमें मिलती है, तत्पर पाठ में ये परंपरा भी मिलती है। तो इस परंपरा को भी हम स्वीकार करते हैं और ये ऋषियों के द्वारा प्रदत्त परंपराएं हैं सस्वर पाठ की। तो कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि आचार्य जी ये क्यों, जब हलंत है तो हलंत का अर्थ है कि वो अक्षर आधा ही है। नहीं, अक्षर तो आधा है लेकिन ये परंपराएं हैं, इस परंपराओं के पीछे एक विज्ञान भी काम करता है, छंद रचना भी काम करती है और स्वरों के चिन्हों के आधार पर भी वो कुछ एक निर्णय होता है। चलिए अब इसके भाष्य पर विचार करते हैं। कई लोगों ने इसका भाष्य पढ़ा है, जाना है, समझा है, लेकिन आज आपको एक विशेष, एक अलग अर्थ आपको समझ में आने वाला। तत् वह चक्षु, चक्षु मतलब दिखाने वाला है, प्रकाशक है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, देवहितम विद्वानों का परम हितकारी है। कहते अब सामान्य व्यक्ति भी क्या कहता, परमात्मा आप मुझे प्राप्त होजिए, आप मेरा हित कीजिए। परमात्मा की व्यवस्थाएं सबके लिए, लेकिन परमात्मा हित किसका करता, जो परमात्मा के विषय में ठीक ठीक जानता, परमात्मा की व्यवस्था को समझ सकता है और ये समझ सकता है विद्वान। तो इसलिए कहा देव हितम, देवों का हितकारी परम हितकारी है, देवों का परम हितकारी है। सामान्य मनुष्यों का अहितकारी नहीं है, लेकिन सामान्य मनुष्य उसके विधान को नहीं समझ पाते, उसकी व्यवस्था को नहीं समझ पाते। सामान्य मनुष्य इसी में उलझ करके रह जाएगा कि परमात्मा को दयालु मानू कि न्यायकारी मानू, क्योंकि अगर न्याय करेगा तो दया नहीं रहेगी और दया करेगा तो न्याय नहीं रहेगा। सामान्य व्यक्ति यहां तक उलझ करके रह जाता है। आगे का पुरस्तात् और अग्रणी है, सबसे अग्रणी है, सबको आगे ले जाने वाला, और कहा उच्चरत सबसे उत्तम है, शुक्रम शुद्ध है, तेजो में परम शक्ति है, हम उसे किसको, उसी पुरस्तात को, उसी उच्चरत को, उसी शुक्रम को, शतम शरदः पश्येमा, 100 वर्षों तक देखें। अब किससे देखें, तो कहा ज्ञान चक्षु से देखें। देखना रूपी क्रिया दो प्रकार से होती है, एक चक्षु रूपी साधन से देखता, देखने वाला यानी दृष्टा, दृष्टा कोई और चक्षु दृष्टा नहीं है, चक्षु साधन है। और यहां पर विद्वानों के लिए कथन है, तो विद्वान के देखने का जो साधन है उसकी है विद्या, विद्या विद्वान का चक्षु है। तो यहां जो परमात्मा को देखने की बात, अब कई लोग कहते हैं सब कुछ देखें 100 वर्षों तक, नहीं वास्तव में चक्षु संसार के व्यवहार के लिए है, केवल इतना ही नहीं है, चक्षु संसार के व्यवहार के लिए भी है और परमार्थ के लिए भी। चक्षु रूपी पदार्थ की सार्थकता परमार्थ के सिद्ध हो जाने में होती है, इसका प्रयोजन यहां सफल होता है, यानी इस चक्षुरूपी प्रयोजन की सफलता
परमार्थ के सिद्ध हो जाने में, इस प्रकार से लेंगे अर्थ। तो शतम शरदः पश्चिमा, 100 वर्ष तक उसी तेजोमय शक्ति को देखें, उसी शुक्रम को, उसी पुरस्तात को, उसी उच्चरत को जो देवहितम है। किससे देखें? तो ज्ञान चक्षु से देखें। और आगे क्या कहा? शतम शरदः जीवे में, और 100 वर्ष तक जीते रहे, उसको देखते हुए 100 वर्ष तक जिए। जीवन में भोग है तो जीवन में रोग है, सीधी बात, सच्ची बात। जहां रोग है स्वाभाविक है वहां भोग है, और जहां भोग है वहां रोग होगा ही होगा, निश्चित सी बात है। और जहां निरोग है वहां योग है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जहां योग है वहां निरोगिता होगी, आरोग्यता होगी ही होगी, और यही स्वास्थ्य का मूल स्तंभ माना जाता है। तो हम 100 वर्ष तक जीवे, अब कह तो रहे हैं लेकिन समझ भी पा रहे हैं क्या, उसको जी पा रहे हैं क्या उस भाव को? वस्तुतः इसके पीछे का एक दर्शन क्या है, दृष्टि क्या है? तो सबसे पहले आरोग्यता, स्वस्थ व्यक्ति के भीतर स्वस्थ मन निवास करता है, और स्वस्थ मन होता है तो स्वस्थ चेतना गति करती है। तो प्रश्न आता है कि भाई स्वस्थ किसे कहें, स्वस्थ व्यक्ति माने किसे, निरोगी किसको कहें? तो बहुत सारी चर्चाएं आती है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, एक ये चर्चा करता है, गीता में आता है। और समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। तो यहां पर कहते हैं ये एक परिभाषा है जिससे हमें समझ में आएगा कि ये जो कंसेप्ट यहां पर है, शतम शरदः जीवे, मैं 100 वर्षों तक जीवे, किस लिए? किस लिए? ऊपर वाली जो बात थी उसके लिए। अब 100 वर्षों तक जीने की जो बात है वो तब संभव है जब व्यक्ति स्वस्थ रहे, और स्वास्थ्य की आरोग्यता का लक्षण इससे पता चलता है, सम दोषः, जिसके त्रिदोष सम है, सम दोषः समाग्निश्च, जिसकी सप्त अग्नियां, जिसमें मुख्य जठराग्नि को कहा जाता है, ये सम है। सम मतलब समान है, बैलेंस है। और आगे का सम धातु मलह क्रिया, जिसकी धातु में सप्त धातुएं समान है, बैलेंस है। और मल क्रियाएं निष्कासन तंत्र, पूरे शरीर में अनेकों निष्कासन तंत्र होते हैं, केवल मल द्वार ही नहीं, पूरे शरीर में अनेकों निष्कासन तंत्र, पूरा निष्कासन तंत्र जिसका ठीक ठीक काम करता है, व्यवस्थित काम करता है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, वो भी एकदम व्यवस्थित स्थिति में काम करता है। और इतना ही नहीं कहा, इतना ही नहीं कहा, आगे कहा प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः, जिसका इंद्रिय और मन, इनके माध्यम से जो आत्मा प्रसन्न रहता है, अंतःकरण के स्तर पर देखें तो जो चित्त प्रसाद में रहता है, स्वस्थ इति अभिधीयते, इसको कहेंगे स्वस्थ, इसको कहेंगे आरोग्यता। आरोग्यता होगी तो 100 वर्ष तक जिएंगे, और आरोग्यता होने के लिए ये कम से कम ये 7 समदोष, अगर कहें तो त्रिदोष सम होने चाहिए, वात पित्त कफ, समदोष समाग्निश्च, आपकी अग्नि सम होनी चाहिए, सम धातु आपकी सप्त धातु में सम होनी चाहिए। धातु विषम होती है तो रोग आते हैं, विषम होने पर शरीर में रोग आते हैं जब धातु विषम होती है, या दोष, जिसको दोष मतलब वो गुण और दोष वाला नहीं, गोष दोष यहां पर वात पित्त और कफ को कहा जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, ये अगर इनमें विक्षेप आ जाएगा तो रोग आएंगे इत्यादि। आगे देखिए कहा क्या कहा, और शतम शरदः श्रृणुयाम, 100 वर्षों तक सुनते रहें, किसको सुनते रहें? बोले जो भी अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वो कल्याणकारी है, आवश्यक नहीं है, अच्छा कुछ भी लग सकता है, कुछ भी, किसी को भी कुछ भी अच्छा लग सकता है। अच्छा सुनने में और कल्याणकारी सुनने में बड़ा अंतर है, जो अच्छा है वो कल्याणकारी होगा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। तो किसको सुने?
यहां पर कहा शतम शरदः श्रृणुयाम। तो एक मंत्र पिछले पढ़ा पीछे पढ़ा था हमने स्वस्ति वाचन में, क्या था? भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम। तो सुनने की बात का उत्तर वेद ही देता है, यानी वेद के प्रश्न का समाधान वेद ही करता है। तो यहां पर कहा शतम शरदः श्रृणुयाम और वहां पर कहा भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम। भद्र सुने तो अच्छा नहीं सुनना है, भद्र सुनना। और भद्र का अर्थ क्या देखा था? कल्याण। आगे देखो क्या कहा, शतम श्रद्धा प्रब्रवाम और यही भद्र दूसरों को सुनावे। आज क्या सुनाया जाता है? बहुत कुछ सुनाया जाता है, सब समझते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सुनाना है दूसरों को, सुनाना 100 वर्षों तक सुनाना है, लेकिन क्या सुनाना है? भद्र, अभद्र नहीं सुनाना, उपद्रव नहीं सुनाना, जल्प नहीं, वितंडा नहीं, विक्षेप नहीं, क्लेश नहीं, अशांति नहीं। अपने भीतर का जो भी कुछ भरा हुआ है, जो भी कुछ क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, असूया, जो भी कुछ, वो सब उड़ेलते हैं और हम सोच रहे हैं कि इतना ही हम सुना रहे हैं। नहीं, ये सुनाना हुआ ही नहीं वास्तव में, ये हुआ ही नहीं सुनाना। सुनाने की बात वहां पर सार्थक होती है जब आप भद्रम को पकड़े। भद्रम श्रृणुयाम भद्रम प्रब्रवाम शतम शरदः, शतम शरदः प्रब्रवाम भद्रम। क्योंकि वेद के प्रश्न का उत्तर कौन करता है? वेद स्वयं ही करता है, इसलिए वेद को स्वतः प्रमाण कहा जाता है और इसकी छाव में जो चलते हैं उनको परतः प्रमाण स्वीकार किया जाता है। और अंत में कहा देखो शतम शरदः अदीनाः, दीनहीन होकर के ना जी। इसने कुछ अच्छा सा कहा, बिछ गए बिल्कुल, अरे प्रभु कहाँ हैं आप, आपकी चरण धूली माथे पर लगानी थी। कल्याण हो जाएगा क्या? अगर चरण धूली से तेरा कल्याण हो जाए तो पूरी पृथ्वी का सबसे पहले कल्याण होना चाहिए जिसकी चरण धूली लगाने से तेरा कल्याण हो रहा है। और जिसकी चरण धूली लगाने से तू अपना कल्याण समझ रहा है, ये देख उसका कल्याण हो गया क्या? दीनता हीनता और इसके समानार्थक एक शब्द है पराधीनता। जब तक आप पराधीन रहते हो, जब तक आप प्रभावित होते रहते हो, किसी से भी प्रभावित हो रहे हो, तब तक आप अधीन ही हो, तब तक हम अधीन ही बने रहेंगे, पराधीन ही बने रहेंगे जब तक हम प्रभावित होते रहेंगे। किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवश्यकता क्या है? प्रकाशित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप भद्र के साथ जुड़ते हैं तो आप प्रभावित नहीं होते, प्रकाशित होते हैं। मेरे एक मित्र हैं आचार्य प्रशांत शर्मा, पिछले दिनों उन्होंने एक विचार साझा किया, बड़ा अच्छा विचार था, कहा प्रभावित तो वेश्या भी कर लेती है, बात तो तब बने कि जब प्रकाशित हो या प्रकाशित करो, ये है मूल बात। तो शतम शरदः अदीनाः स्यामः, हम अधीन हो, हम पराधीन ना हो, हम स्वाधीन हो। इस स्वाधीन को ही अधीन होना कहा है, स्व अधीन, स्वतंत्र, आत्मतंत्र, चेतन तंत्र, परमात्मा का तंत्र ही स्वतंत्र है। और परमात्मा के तंत्र को अगर और समझना चाहें तो वेद रूपी तंत्र, वेद रूपी व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। इसी को कहेंगे अधीनाः स्यामः, इसी को कहेंगे स्वाधीन हो जाना। और आगे कहा शतात भूयः शरदः च, और 100 वर्षों से अधिक भी, केवल 100 वर्षों तक ही नहीं, कहे भाई 100 वर्ष पूरे हो गए और अभी तक जीवन बचा, क्या करें? बोले कूद पड़ो। ना ना ना, कूदना नहीं है, कूदना नहीं है, 400 वर्षों तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहां तो आयुर्वेद स्पष्टता से कहता 400 वर्षों तक मनुष्य देह की आयु को तुम अभी भी बढ़ा सकते हो, आज भी इस परिस्थिति में भी बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको, आपको जेनेटिक संरचना के आधार पर कहें तो डीएनए वो होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपका आपका प्रारब्ध ऐसा होना चाहिए, शुद्ध संस्कार, शुद्ध यानी शुद्ध सत्व, पवित्रता होनी चाहिए। अंतःकरण जितना पवित्र होगा शारीरिक आयु उतनी ही अधिक होगी, सीधी सच्ची बात। तो ये आध्यात्मिक परक, इसकी व्याख्या हमें मिलती है। इसकी एक व्याख्या हमें
आदि भौतिक परक भी मिलती है। यानी यहां पर जो ऊपर तत्चक्षु, यहां से हमने चक्षु और देवहितम से परमात्मा परक अर्थ करते हुए आध्यात्मिक एक अर्थ देखा, और इसका एक आदि भौतिक अर्थ में सूर्य अर्थ कर लिया जाता है। तत् माने वह, देखो एक संकेत मात्र कर रहा हूं, तत् माने वह, पुरस्तात मतलब सामने, उच्चरत मतलब उदय होता हुआ, शुक्रम यानी प्रकाश स्वरूप, देवहितम देव की व्यवस्था से जो निहित है, देव की व्यवस्था में जो निहित है। अब देव किसको कहेंगे, तो परमात्मा को कहेंगे, सृष्टिकर्ता को कहेंगे, क्योंकि सूर्य अपने आप निहित नहीं है, सूर्य का विधान स्वयं से नहीं है, सूर्य का विधान निमित्त से है, उपादान से है, तो निमित्त और उपादान, इसलिए देवहितम का परमेश्वर की ओर से प्रकृति रूपी साधन के माध्यम से निहित है, निश्चित है। और क्या कहा, चक्षु संसार का मार्गदर्शक है, संसार के समस्त पदार्थों को दिखाता है, समूचे प्राणी जगत के जीवन के व्यवहार का मुख्य आधार यही चक्षु है, यही सूर्य है। और फिर आगे की बात को एज इट इज ले लेंगे कि हम ऐसे बने रहें कि 100 वर्षों तक देखें सुने इत्यादि इत्यादि, बस। तो भावार्थ के रूप में देखते हैं, हे प्रभु आप सबके मार्गदर्शक हैं, विद्वानों के परम हितकारक हैं, आप शुद्ध स्वरूप हैं, तेजोमय शक्ति हैं, परम शक्ति है। हम 100 वर्ष तक आपको ज्ञान चक्षुओं से देखते रहे, 100 वर्ष तक भद्र को सुनते रहे, भद्र को सुनाते रहे, और 100 वर्ष तक आपकी कृपा से स्वस्थ जीवन बिताते रहे, स्वाधीन होकर के जिए और आपके यश को देखते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। एक निराकरण भी कर देते हैं, इसमें एक शब्द आया मदीना, तो कई सारे बड़े उन्हें क्या कहें, बेचारे लुल्लू हैं वो, उनको लुल्लू कहना ठीक रहेगा, तो कहते देखो वेद में मदीना है, अगर वेद से तुझे इतना प्यार है तो मोहम्मद को छोड़ना, फिर वेद की बात मानना, अगर तुझे मदीना वेद में लिख रहा है, मदीना को बताने के लिए वेद को कहेगा लेकिन वेद की मानेगा नहीं, अगर तुझे वेद परम प्रमाण लग रहा है तो फिर वेद की शरण में क्यों नहीं आ जाता। ऐसे ही और भी कई सारे मंत्र आते हैं, वहां पर एक और मंत्र आता है स्वस्ति वचन में, मुरुगाय मध्य ऐसा एक पद आता है स्वस्ति वचन में, हमने एक मंत्र देखा था मुरुगाय मध्य यूयम पात स्वस्ति सदा नहा, ये देखा था हमने, उसमें मुरुगाय ऐसा है और वो पदच्छेद होकर के उरु गाय गायम अद्य, इस प्रकार से उसका पदच्छेद होता है। तो कई लोग यहां से कहते हैं देखो मुर्गा गाय और मध्य, अपनी वाली परंपरा के बता रहा हूं, सनातन में भी अनेकों सारी परंपराओं में ये चलता है, सायण का और महीधर उवट आदि का ये कई सारे भाष्य पढ़ाए जाते हैं, और उनके भी कुछ अपने चेले चपाटे ऐसे ही, उनके विचारों के गुरु जी भी ऐसे ही, वो भी यहां से अर्थ निकालते हैं। तो उसके नाम पर ये जो बलि प्रथाएं बहुत जगह प्रचलित हैं, उसका आधार ये भी है कि देखो वेद में लिखा मुर्गा गाय और मध्य, ये तीनों एक साथ होते हैं तो वहां पर भक्ति होती है बढ़िया प्रकार से। अरे बस यही अनर्थ होता है यहीं पर, अस्तु। तो विद्वान का परम सहायक परमात्मा होता है, विद्वान अपनी सबसे उत्तम संपत्ति, विद्वान की जो सर्वोच्च संपत्ति होती है वो होती है विद्या। जैसे पति की सर्वोच्च संपत्ति होती है पत्नी, पत्नी की सर्वोच्च संपत्ति होती है उसका पति, एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पण में रहते हैं, बस ऐसे विद्वान की जो समूची संपत्ति है, सर्वोच्च संपत्ति है, वो विद्या ही है, और विद्या के प्रकाश से देखता है और अन्यों को दिखाता है, इसे ही कहते हैं स्वाधीनता। अस्तु, मेरी ओर से विषय को इतना ही रखते हैं, आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते आचार्य जी, कल का परसों का जो विषय आएगा रात सांझकालीन मंत्र है, उसमें मैं भी साझा करूंगा थोड़ा सा, हमें मार्गदर्शन करेंगे उस दृष्टि से। आपकी आवाज ठीक नहीं, परसों का जो विषय आएगा उसमें क्या कह रहे हैं?
रात्रि का जो मंत्र आता है ना जी, हाँ वो थोड़ा सा हमारा देखने कैसे करते हैं। हाँ बढ़िया से, उसमें बढ़िया से स्पष्टीकरण देंगे, क्यों चिंता करते हो, बिल्कुल आएंगे। मैं भी साझा करूंगा उसमें जी। अच्छा आप भी साझा करेंगे, हाँ बिल्कुल स्वागत है हम सब। ये देखो मैं नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको भी नेतृत्व आए। मेरा नेतृत्व करना तब सार्थक है जब मैं अन्यों के भीतर भी नेतृत्व करने की क्षमता को विकसित कर पाऊं। मैं ही जीवन भर नेतृत्व करता रहा या मेरे द्वारा ही नेतृत्व किया जाता रहा, अन्य किसी एक चेतना के भीतर भी नेतृत्व करने रूपी सामर्थ्य को उद्बुद्ध नहीं कर पाया। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहितो मिष्टा पूर्ते। अगर ये नेतृत्व करने की अग्नि अगर दूसरे के भीतर प्रज्वलित हुई नहीं तो कोई इस प्रयोजन की सार्थकता ही सिद्ध नहीं होती। स्वागत है। क्योंकि ये जो मंत्र था ये संध्या में भी आता उपस्थान मंत्र में। चलिए जी रवि जी। नमस्ते आचार्य जी, ये प्रब्रवाम और भूयश्चा का अर्थ संपूर्ण स्पष्ट कीजिए। प्रब्रवाम प्रकर्ष रूप से कहें, प्रकर्ष रूप से कहते रहें, सुनाते रहें। और भूयः, जब भूयश्च है ना तो उसका पदच्छेद करेंगे तो भूयः च ऐसा पदच्छेद करेंगे। ठीक है, भूयश्च का अर्थ क्या है? च शब्द का अर्थ होता है और भूयः शब्द का अर्थ होता है अधिक। भूयश्च तो भूयः च, तो भूया मतलब अधिक, च मतलब और, तो किससे और, तो कहा शरदः शतम् शतात्, शरदः वर्षों से, शतात् मतलब सौ से, तो सौ वर्षों से अधिक और सौ वर्षों से अधिक, ऐसा अर्थ निकलेगा। जी आचार्य जी, और एक प्रश्न है, ये परंपरा आपने कहा था ना उससे उच्चारण भेद है, तो कितने परंपरा रहेंगे आचार्य जी? चार ही है ना, चार वेद के चार परंपरा रहेंगे, जितने मनुष्य उतनी परंपराएं हो सकती हैं। मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम। अगर परंपरा की बात करूं तो मैं स्वयं आज से अनेकों परंपराओं को जन्म दे सकता हूं। योगी अगर चाहे तो अनेकों सिद्धियों का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वो सिद्धियों को अपने साध्य में बाधक देखता है, इसलिए हटा देता है। तो परंपराओं का कोई फिक्स नहीं होता। परंपराएं चक्षु होती हैं, परंपरा एक टॉर्च की तरह काम करती है, परंपरा साधन है साध्य नहीं है। मैं इसलिए एक बात कहा करता हूं, मैं जानता हूं मैं किसी भी परंपरा का स्वागत क्यों करता हूं। परंपरा में आचरण मिलेगा, वहां शब्द की आवश्यकता नहीं है। परंपरा में आपको जीवन मिल जाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को मेरी मां के जीवन में देखा है और मेरी माँ बता दी कि बेटा मैं पढ़ी नहीं हूँ, पहली कक्षा में गई थी, उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि अध्यापक ने पता नहीं कुछ पिटाई वगैरह कर दी थी, एक बार बोली पढ़ूंगी नहीं। लेकिन मैंने मेरी माँ के जीवन में वेद की बहुत सारी सूक्तियों को बिल्कुल उनके आचरण में देखा। अब मैं उनसे पूछूं कहाँ वेद पढ़ा है, तो कहेंगे नहीं मैंने तो कोई वेद नहीं पढ़ा, मुझे यही नहीं पता वेद होता क्या है, कितने होते तो बात ही छोड़ दे। तो फिर ये क्या, बोले बेटा परंपरा। तो परंपरा दो चीजें होती है, एक वर्ग ये कि परंपराओं को सीधा नकार देता है, ये पाखंड है। अरे भाई नकारो मत, अगर तुम नहीं जानते हो एक दूसरी बात है। अगर आज भी वर्तमान में अधिकांश परंपरा, सबकी बात नहीं करता हूं, बहुत सारे पाखंड भी हैं जो स्पष्टता से परीक्षण करने पर हमें ज्ञात हो जाते हैं, लेकिन जितनी परंपराएं यदि उनमें ढूंढना चाहे बहुत सटीक तीक्ष्ण दृष्टि है, बस उनमें खोजने की आवश्यकता है, अन्वीक्षण करने की आवश्यकता है। दर्शन क्या कहता है? दर्शन यही तो कहता है कि तुम देखो उस दृष्टि से जिस दृष्टि से तुम देख सकते हो। परंपरा को तुम दो दृष्टि से देखते हो, सामान्य होते हो तो परंपरा को आप आचरण अनुगमन की दृष्टि से देखते हो, अनुकरण की दृष्टि से देखते हो। लेकिन जब आप दृष्टा हो जाते हो तब आप परंपरा को परंपरा के रूप में देखते हो कि इसके पीछे का प्रयोजन क्या था जिसने परंपरा आरंभ की थी। जब आप यहां पर आकर के केंद्रित हो जाते हैं ना कि परंपरा का प्रयोजन क्या था, तब आप दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए परंपराओं के विषय में उलझी मत, परंपरा भी एक साधन है, वेद भी एक साधन ही है,
आप कहें भाई हमारी परंपरा बहुत उच्च है, बहुत शुद्ध है, बिल्कुल नहीं। आप तो आर्य समाज छोड़ो, वेद की भी एक परंपरा ही है। वेद कोई साध्य थोड़ी है, वेद साधन है। ये व्याकरण पढ़ना, दर्शन पढ़ना, वेद पढ़ना, कोई कोई ये कोई साध्य थोड़ी, ये भी सब साधन है। इस रूप में परंपराओं को लेना चाहिए। और रहा प्रश्न वेद की परंपराओं को, तो यजुर्वेद की ही वर्तमान में कई सारी शाखाएं मिलती हैं, शौनक शाखा मिलती है और कई सारी शाखाएं हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, कुल मिलाकर के 1127 शाखाएं तो स्वामी दयानंद जी ने स्वीकार की और उनमें से बताते हैं कि कुल इस समय इतनी प्राप्त है। वेदों की कुल शाखाएं जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अनुसंधान किया, उन्होंने अपने जीवन में खोजा भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के पूरे भारतवर्ष में, और जो जो उनको उपलब्ध साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर स्वामी जी ने कहा कि 1127 वेदों की शाखाएं प्रचलित थी। वर्तमान में उनमें से कुछ एक उपलब्ध है। तो अगर इस दृष्टि से आपका प्रश्न है तो ये एक उत्तर हो सकता है, लेकिन ये मेरा प्रत्यक्ष नहीं, इस पर मैंने अनुसंधान नहीं किया, इसलिए मैं केवल वो कथन कह रहा हूं जो स्वामी दयानंद जी ने अपने अनुसंधान के आधार पर कहा। इसमें मेरा अनुसंधान नहीं, इसलिए मैं कहता हूं मुंडे मतिर्भिन्नम, जितने मनुष्य उतनी परंपराएं हो सकती। अब आप देख लीजिए सनातन की किसी परंपरा को उठाइए, मान लीजिए भगवान हनुमान के भक्तों को उठाइए। भगवान हनुमान के भक्त मंगलवार का एक व्रत रखते हैं, सायंकाल उनका एक पूरे दिन में जप तप आदि जो भी कुछ होता है, सायंकाल हनुमान चालीसा आरती ये सब होता है। लेकिन प्रत्येक उस सनातन की इस परंपरा में जी रहे जिस भी व्यक्ति को आप देखें, उस चेतन व्यक्ति को देखें, तो उस चेतन के क्रियाओं को देखें, उसके व्यवहार को देखें, भिन्न भिन्न मिलेंगे। वही प्रतिमा है, वही स्थिति है, सब कुछ वही है, लेकिन भिन्न मिलेगा। अब कोई कहे भाई क्यों, भगवान हनुमान तो एक ही है, तो मुंडे मतिर्भिन्नम। सीधी सी बात है, इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिसके पास जैसी दृष्टि होती है वो वैसा ही देखता है, जिसने जो चश्मा पहन रखा है उस चश्मे से वैसा ही देखेगा। काला चश्मा पहनोगे तो काला काला दिखेगा, हरा पहनोगे तो हरा हरा दिखने लगेगा। ठीक है, तो परंपरा चश्मा है, बस इतना समझ लो, परंपरा चश्मा है, चक्षु भी नहीं कह सकते, परंपरा को चश्मा कहेंगे। चक्षु तो कम से कम दिखाने वाला होता है, चश्मे की सहायता से चक्षु दिखाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है जी, जी धन्यवाद आचार्य जी। यानी हर एक शाखा का हर एक उच्चारण रहेगा, वो अब अपनी कैलकुलेशन अब आप स्वयं के स्तर पर कीजिए। ठीक है, हम का उच्चारण अनुकरण करें, साधारण उच्चारण, उच्चारण की दृष्टि से जो सहजता से सबके लिए उपलब्ध हो उसको हम देखो, जनमानस सरलता के साथ जुड़ता है। विद्वान की भाषा, अगर मैं बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करूं, मैं इस व्याख्यान को संस्कृत में कहूं, कितनों को पकड़ में आएगा? लेकिन इसको विद्वत्ता माना जाता है, ये विद्वत्ता है, ये सामर्थ्य है, लेकिन विद्वान के सामर्थ्य की सार्थकता तब है जब वो सामान्य जनमानस के अंतःकरण में भी प्रकाश प्रज्वलित कर दे, अग्नि के छोटे से कण से उद्बुद्ध कर दे उसके भीतर की अग्नि को, सुप्त चेतना को जगा दे। तो परंपराएं कितनी है, उच्चारण कितने हैं, डजंट मैटर। प्रश्न ये है कि सामान्य जनमानस तक भी वो विचार, वो शुद्ध फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है कि नहीं, ये मुख्य बात है। सत्य प्रकाश जी, जी धन्यवाद आचार्य जी। गुरु जी में वैसे ही एक शंका थी, ये कल्याण कारक और उपकारक क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इनका अर्थ स्पष्ट करना। स्वामी जी ने भी लिखा है कि संसार का उपकार करना, इसमें कल्याण करना क्यों नहीं लिखा है जी? मुझे भूख लगी है, मुझे आपने भोजन दिया, उपकार किया कि क्या किया? उत्तर दीजिए। हाँ जी, मुझे भूख लगी, मुझे कहीं से अन्न नहीं प्राप्त हो रहा, आपने मुझे अन्न उपलब्ध करवा दिया, उपकार किया ना जी, तो क्या कल्याण हो गया? एक पशु चार दिन से प्यासा है, आपने उसको जल उपलब्ध करा दिया, कल्याण कर दिया क्या? बताओ। अच्छा, आप अज्ञानी मान लेते हैं, अंतःकरण की मलिनता को अज्ञान कह देते हैं, अंतःकरण की अपवित्रता को अज्ञान कह दिया जाता है, ज्ञान के अभाव को अज्ञान कह दिया जाता है। मैंने आपको ज्ञान दे दिया, ये एक एक, एक विकल्प व्यक्ति का प्रयोग है, एक व्यवहार है, वस्तुतः ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है, लेकिन कह देते चलो सामान्य व्यवहार की दृष्टि से
योग दर्शन की भाषा में देखें तो उसके अनुसार विकल्प वृत्ति का प्रयोग करते हो। मैंने कहा मैंने आपको ज्ञान दिया, आपके अज्ञान को दूर किया, ऐसा कह दिया जाता है। तो आपके अज्ञान को हटाया, आप तक ज्ञान पहुंचा, उपकार किया ना, कल्याण हो गया क्या? स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश दिया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका दी, यजुर्वेद पर पूरे यजुर्वेद का भाष्य, ऋषि परंपरा से निरुक्त निघंटु आदि की परंपरा से, और ऋग्वेद के सात मंडल पर्यंत भाष्य, और अनेकों सारे ऐसे ग्रंथों का उन्होंने अपने जीवन में प्रणयन किया। कल्याण हुआ क्या? उपकार तो किया, लेकिन उस उपकार से कल्याण हुआ क्या? अच्छा हुआ तो कितना हुआ? तो उपकार और कल्याण एक नहीं हो सकते, ध्यान रखिए। ठीक है, बात पकड़ में आ गई होगी? हाँ जी आ गई गुरु जी। इसलिए भ्रमित ना हो, भ्रमित ना हो। उपकार एक व्यवहार है, कल्याण एक एक जागरण है, एक उसको मैं प्राय करके ये मंत्र इसलिए तो बोलता हूँ, उद्बुद्ध स्वाग्ने। जब आप किसी को उद्बुद्ध करते हो, उपकार कर रहे हो, जब वो उद्बुद्ध हो जाता है, यहां कल्याण प्रकट होता है। आपने स्वयं की चेतना से सामने वाले की, यानी स्वयं की जागृत चेतना से, स्वयं की उद्बुद्ध ज्ञानाग्नि से दूसरे के भीतर ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब प्रज्वलित कर दिया ये उपकार है, लेकिन जब वो स्वयं प्रज्वलित हो उठेगा, वो चेतना, वो आत्मा, यहां से समझिए कि यहां से कल्याण आरंभ है। बात पकड़ में आई? हाँ जी गुरु जी, ये भी स्पष्ट करना, प्रभावित नहीं प्रकाशित हूं। अच्छा ठीक है। सामान्य जनमानस या जिसको जिसकी दृष्टि में, जिसकी बुद्धि में व्यापकता नहीं होती है, जिसका चिंतन, जिसका अध्ययन, स्वाध्याय व्यापक नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है, बहुत विस्तृत नहीं होता है, वो किसी भी छोटी सी सरल बात से प्रभावित हो जाता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, अरे गुरु जी आप तो बस परमात्मा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। इसे कहते हैं प्रभावित हो जाना। इसे कहते हैं गुरुजी बस चरण बताओ कहाँ है, माथे पर लगानी है धूली। आपने जो कहा है ना वो तो बस परम कल्याण है, जो आपने कहा है ना वो ही परम कल्याण है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बोले बच्चे इससे आगे भी कुछ और है? बोले ना मुझे चाहिए नहीं, अगर कुछ है तो बस यही है जो आपने कह दिया ना, ये जो मैंने आपने कहा मैंने सुना, बस यही है सब कुछ, इससे आगे जाना ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। बोले बेटा मैं खुद इससे आगे जाने की तैयारी करूं? बोले आप करो, मेरे लिए तो इतना पर्याप्त। इसे कहते हैं प्रभावित हो जाना और प्रकाशित हो जाना। गुरु ने कहा, मैंने उसको जी करके देखा, मैंने उसको जाना, सुना, जाना और उसको जी करके देखा, इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष करना। इसके चार आयाम कहे जाते हैं, श्रवण यानी सुनना, मनन यानी विचार करना, निधिध्यासन यानी छटनी करना और साक्षात्कार यानी इसको जी लेना, अनुभव, अनुभूति में आ जाना, वैसा हो जाना, तदरूप हो जाना, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो इस आधार पर जो बोध है, बोध को कहते हैं प्रकाश, प्रकाशित हो जाना। जब आपको बोध हो जाता तो कह सकते हैं हाँ उसने मुझे प्रकाशित किया। प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। एक व्यक्ति बहुत विनम्र दिखाता है, बाहर से दिखाता है, भीतर होता नहीं है वास्तव में। उसने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा उसका स्वाध्याय है, उसके भीतर में एक एक चेतना जागृत है, एक अग्नि जल रही है, उसके भीतर में एक भाव है, जैसा मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं, मेरे भीतर एक ज्ञान की एक स्थिति, वो एक भाव है, सबके भीतर है, सब वो एक भाव है और वो सब चाहता है कि वो सब ऐसे हो जाएं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो उस समय वो क्या करता है कि वो अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, इस प्रकार का वहां पर वो व्यवहार हो दिखाएगा जिससे लोग प्रभावित हो सके, अधिक से अधिक लोग प्रभावित हो सके। तो प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता, तर्क बहुत लंबे समय तक टिकता है, भावना बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती। बचपन में बच्चे को सिखाइए कि बेटा शिव स्त्रोत्र का पाठ करो, हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, हैं बहुत सारी चीजें सिखाई, बच्चा बड़ी जिज्ञासा भाव से, बड़ी श्रद्धा भाव से उसके साथ जुड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अब ये प्रभावित तो था, प्रकाश थोड़ा ही था। आज जिस दिन बच्चे ने प्रश्न किया क्यों करूं, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं।
क्यों का प्रश्न, इस क्यों रूपी जिज्ञासा का समाधान तर्क करता है, या इस क्यों के पीछे तर्क है, क्यों, प्रयोजन क्या है, पहले मुझे ये जानना है, ये जो कर रहा हूं उसका प्रयोजन क्या है। इसलिए तो ये जो तर्क है, ये तर्क प्रभाव को हटा देता है, और प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये तर्क सदैव विद्यमान होता ही, बस अंतर ये कि किसके जीवन में कब प्रस्फुटित होता है, प्रकट होता है। जिस दिन जिसके जीवन में प्रकट हो गए ना, उस दिन से वो भले ही बाहर अपने माता पिता मित्र मंडली अपनी परंपरा को केवल केवल लेकर के चलने के लिए वो भले ही बाहर कुछ कर रहा, लेकिन भीतर में उसकी मांग कुछ हो रहा है, उसकी इंटरनल रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है। यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, एक तर्क आ रहा है, क्यों, प्रयोजन क्या है। तो यहां से प्रकाश आरंभ होता है, इस क्यों का जो समाधान कर देता है। अब वहां वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि प्रभाव तो वो अपनी परंपरा का ही देख रहा है, प्रभाव तो उसने देखा ही है, उसे पता है प्रभाव में कितना दम है, बहुत लंबे समय तक प्रभाव टिकता नहीं, ये उसे अच्छे से उसका अनुभव है, ये उसने लंबे समय तक जिया। लेकिन जब उसके क्यों का समाधान मिलता है, यहां से प्रकाश आरंभ होता है, यहां से फिर इसको कहते हैं स्वस्ति पंथाम अनुचरेमा। बात पकड़ में आई, चलिए ठीक है, आज का विषय इतना ही रखें। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज के इस स्वाध्याय क्रम को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।